सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। यहाँ पे आज हम बैतूल ज़िले से चलकर 400 450 किलोमीटर दूर यहाँ पे चंद्रपुर महल में आए हैं, जो कि यहाँ पे कली कंकलन दाई का एक बहुत ही भव्य महल है, जो कि हम पहली बार देख रहे हैं, तो काफ़ी आनंद आ रहा है। और इसी के दृश्य हम आपको अंदर की ओर से दिखाते हैं। चलो देखिए, इस टाइप से जो है बहुत ही प्यारी आकृतियाँ बनाई गई हैं, जो पत्थर की नक्काशी से बनाई गई है। आप देख सकते हैं। इसको क्यों बोलते हैं? ये उस जमाने में गणपति की पूजा करते थे। वो आप बैठेंगे तो उसमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्या बैठेंगे सामान में ये ऊपर का दृश्य। जी हमारा राज्य चिन्ह सब बर्बाद होते जा रहा है, जो गोंडों का साम्राज्य था। गोंडों के पास इतना कुछ होने के बावजूद भी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख सकते हैं इस किले को पूरा गंदा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ धागा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लटकी हुई है। कोई इसने किसी कोई मजनू लेला किसी का नाम लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यह मजनू लीलाओं का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। हमारी संस्कृति को तहस नहस किया जा रहा है, जो बची है उसे भी खत्म किया जा रहा है। यहाँ की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो 10-15 किलोमीटर ये एकड़ के दायरे में यह महल नहीं, बनाया दस पंद्रह है। किलोमीटर कम हो जाएगा, उससे भी दस दस कम पंद्रह से कम किलोमीटर 400 किलोमीटर 400-500 एकड़ का होगा, ये पूरा एरिया लेगा। तो ये और किलोमीटर के हिसाब से गिना जाए तो पूरे एरिया को अगर बांधेगा तो कम से कम 25 या 30 किलोमीटर। ये हम आदिवासी गोंडों की इतिहास, जो कि हम आज खुद ही नहीं जानते, तो हमें जानने की लालसा होनी चाहिए, जानने की माइंड में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जो कि हम ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। आज गांव से निकलकर शहर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम अपने रीति रिवाज परंपरा सारी चीज़ें भूले जा रहे हैं, जो कि आज हमारा इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने आप को इस टाइप से कोसते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, जबकि हमारा इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने आप को भूल चुके हैं पूरी तरह से। चलिए दिखाते हैं बाहर। ये हमारे राज्य चिन्ह पुख्ता सबूत, ये गोंड महल ही है। यह पुख्ता सबूत है कि ये हमारा गोंडवाना राज्य चिन्ह, जो कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या आपको कहीं पे भी मिल जाएगा गोंडवाना के नाम से। और यह महल का प्राथमिक द्वार, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा झरना या अपन फवारा कह सकते हैं, उस टाइप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको नई चीज़ें दिखाई देने को पड़ेगी। और ये इतना अच्छा भव्य यहाँ पे महल टाइप का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो कि हमको आज बहुत ही आश्चर्यचकित कर रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे घूमने के उद्देश्य आए थे और हमारी चीज़ें सारी चीज़ें रखी हुए होने के बावजूद भी हम अपने आप को भूल चुके हैं, हमारी सारी चीज़ें भूल चुके हैं। और
हमारी सारी ये जो चीज़ें हैं ये मिटाई जा रही है किसी प्रकार से। तो हमें सारे समाज से यही कहना चाहूँगा कि हम अपने आप को जानें। और ये देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है, तो आप इसे पुश करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं आपको डिटेल देता हूँ। और बाहर एंट्री गेट की बात की जाए तो यहाँ पे एंट्री गेट में जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे जो गोंडवाना राज्य चिन्ह है हाथी के ऊपर शेर, वो यहाँ से कुछ लोग हैं जो कि ये निकाला जा चुका है। तो यहाँ पे तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर की जो आकृतियाँ हैं वो बिल्कुल सेफ है और सारी चीज़ें बाकायदा देखने को मिलती है कि हमारा इतिहास क्या है और क्या नहीं है। तो ये महज सिर्फ एक बोलने वाली बात नहीं है कि हम आदिवासियों का, गोंडों का जो इतना बड़ा राजपाट था आज इतिहास में भी हमको नहीं पढ़ने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आँखों से देख रहे हैं, तो ये इतिहास से कम नहीं है। और बात की जाए हमारे इतिहास की तो लोगों को मिटाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम अपना इतिहास, सारी चीज़ें, परंपरा हम नहीं भूलते हैं। और ये महल काफ़ी सुंदर है और आकर्षक है। आप कभी आइए चांदागढ़, चंद्रपुर, आपको बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा, जो कि टोटली पत्थरों से बनाई गई है। और ये पत्थरों की जोड़ाई बहुत ही कठिन तरह से होती है, जो गुड़ और चूने से की जाती है इसकी जोड़ाई वगैरह। और आपको ये गोंडवाना राज्य चिन्ह हर इस अंदर के महल के हर हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही आकर्षक है। काफ़ी पुराना हो चुका है ये महल, समथिंग 1400 ईस्वी पूर्व है। जो मैं अभी चांदागढ़ के मंदिर से आया हूँ, अभी कली कंकलन दाई के मंदिर से आया हूँ, जो वहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दी हुई थी। सो 1400 ईस्वी का कुछ लिखा हुआ था, तो उस टाइप से मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारी धरोहर, सारी चीज़ें मिटाई जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है। हम हमारे सामने ऐसी सारी चीज़ें हो रही है और हमारा परिवार जो है आदिवासी परिवार, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारे लिए है ये सारी चीज़ें जो है, हमारा पूरा इतिहास बयां कर रहे हैं सामने, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका हमें खेद है अपने आप पर। ये बहुत ही शानदार है महल का जो सेंटर पॉइंट, सेंटर पार्ट है ये।